अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चना पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल देख जैसा चना पुलाव आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो आएँ हम इसको स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें है एक बड़ी प्याज, 3 मीडियम टमाटर, इनको छोटा छोटा काट लिए, 1/2 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून अचार, ये ऑप्शनल है, इससे आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, 1 चिकन क्यूब, 3 साबुत हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून इमली, ये आपके चना पुलाव का टेस्ट बहुत इन्हेंस करती है, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून नमक एंड 1/2 टेबल स्पून रेड चिली, और ये 1/2 इंच जिंजर है, इसको हमने इस तरह से काट लिया है। 2 कप बॉयल्ड चने, इनको आपने सोडा लगा के बॉयल कर लेना है। और 1/2 किलो हमारे पास चावल हैं, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, ऑयल में हम अपनी प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनने के बाद हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डाल दें, इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें एक एक करके अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इमली ऐड कर दें, हरी मिर्च ऐड कर दें, इसमें हम अपना क्यूब डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे, इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे और नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। इसमें हम अपने चने डालेंगे और चने डालने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए तेज आंच पे भूनना है ताकि आपके सब इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर चनों के अंदर आ जाए। तो अब हम चनों की भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए तेज आंच पर। ये 4 मिनट मैंने चनों की तेज आंच पर भुनाई की है। अब हम इसमें अचार डालेंगे। अचार डालने के बाद हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। हम 1/2 किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, 4 कप पानी। एक लीटर पानी डाल दिया इसमें। जब हमारा पानी उबलने लगेगा तो उस टाइम पे हम इसमें चावल डाल देंगे। देखिए पानी उबल रहा है, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक्कन देके तेज आंच पर पकाएंगे
उस वक्त तक जब तक पानी खुश्क हो जाए। ढक्कन देके तेज आंच पे पकाएं पानी खुश्क होने तक। देखिए पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको 15 मिनट के लिए दम दे देना है। चावलों को कवर कर दें, इसको दम दे दें। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी हल्की आंच पे इसको दम दिया। फुल स्लो हीट पे आपने इसको 15 मिनट्स के लिए दम दे देना है। चना चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही बनता है जैसे कि देख के चावलों का बनता है। 100% उसी तरह का टेस्ट आप इस रेसिपी से बनाएं आपको मिलेगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।